नमस्कार, वेलकम टू माय किचन। आज हम साबुत लाल मसूर और झींगा के कबाब बनाने वाले हैं। इसके लिए हमने आधा कप साबुत लाल मसूर लेकर इसे 4 से 5 घंटा भिगो के रखा था। उसके बाद जो एक्स्ट्रा पानी है उसे फेंक के हमने इसको एक मिक्सर ग्राइंडर के बर्तन में ले लिया है। इसमें अब 18 से 20 मीडियम साइज झींगा, 2 टुकड़े अदरक, 1 हरा मिर्ची, 2 टुकड़े लहसुन के डाले हैं। इसमें हम अब 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/2 चम्मच आमचूर और नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। उसके साथ साथ एक अंडे को भी डाल देंगे। हमें इन सब सामग्रियों को मिक्सर में अच्छे से पीस लेना है। हमें ये ध्यान देना है कि ये मिक्सचर बिल्कुल पतला नहीं होना चाहिए। इस मिश्रण के अंदर हम अब 1 मीडियम साइज कटा हुआ प्याज, 1 बारीक कटा हुआ मिर्ची, 1 टेबलस्पून कटा हुआ धनिया पत्ता, 1 टेबलस्पून कटा हुआ पुदीना के पत्ते डाल रहे हैं। इस मिश्रण को हमें अब अच्छे से फेंट लेना है। अब हम एक पैन में थोड़ा तेल लेके उसे गरम करके उसके अंदर हम अब ये मिश्रण को 1-1 चम्मच डालकर इस कबाब को गोल्डन ब्राउन होने तक हम दोनों बाजू से उसे अच्छे से तल लेंगे। ये हमारा अब कबाब तैयार हो चुका है। आप इसको पुदीना के चटनी, प्याज और नींबू के साथ परोसिए और इसके आनंद लीजिए। धन्यवाद।